हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आपके बैंक एग्ज़ाम का नहीं आया, बट स्टूडेंट जानना चाहते हैं, डेली मैसेज आते हैं कि मैम इस साल हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो आने वाले हैं, चाहे वो नाबार्ड हो, RBI, SBI, क्लर्क, PO, आपका जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट, और साथ में आपके पास कितना समय है तैयारी के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर पता है अप्रैल से आपके नोटिफिकेशन स्टार्ट हुए हैं, ECGC PO का आ गया है, ठीक है, जिसमें जर्नलिस्ट का भी नहीं आया है। इसमें क्या है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, IDBI एग्जीक्यूटिव का टेंटेटिव है और IDBI PO का भी टेंटेटिव है। आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपका RBI ग्रेड बी का भी, ठीक है, इसका जो भी था तो सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था ग्रेड बी का एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 जुलाई को होना है, ठीक है, बाकी अभी कंफर्मेशन नहीं है क्लियरली, लेकिन मे बी एक्सपेक्टेड है। ओके, बट आपकी जो नोटिफिकेशन है RBI असिस्टेंट का 2nd वीक और RBI ग्रेड बी का टेंटेटिव है। ओके, पेपर इनके मोस्ट प्रोबेबली दोनों के जुलाई में आपके होंगे, ठीक। इसके अलावा मेंस LIC ADO आपका 23 को है ही, IDBI एग्जीक्यूटिव की जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो मई में है और IDBI PO आपका जून में टेंटेटिव है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट आप एक आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा जून में आपका 1st वीक में, जैसा कि RRB PO क्लर्क के नोटिफिकेशन आपका 8-9 जून तक आ जाते हैं, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट इन जून बिकॉज आपके एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होना स्टार्ट होते हैं, और IBPS क्लर्क का 3rd वीक ऑफ जून में टेंटेटिव आपका ये है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, IBPS PO, ठीक है, बिकॉज IBPS PO क्लर्क साथ में ही आते हैं आगे पीछे, ये आपका जुलाई 3rd वीक में रहेगा और जुलाई में आपके एग्ज़ाम प्रीलिम्स के होने हैं, एक्सपेक्टेड है, RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड बी का तो फुल चांस है कि आपका होना है, ठीक है, 1st वीक। तो इसके अलावा मेंस का ECGC PO आपका होना, एक ही एग्ज़ाम होना है ECGC PO का 15 जुलाई को, राइट। 31 अगस्त, अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में आपका SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है। ये डेट्स आपकी फिक्स्ड हैं अकॉर्डिंग टू IBPS कैलेंडर, दैट मीन्स आपका जो भी एग्ज़ाम है ये अगस्त लग जाता है, तो RRB PO की डेट्स हैं ये RRB क्लर्क की और IBPS क्लर्क की अकॉर्डिंग टू IBPS कैलेंडर, तो जो कि मोस्टली फिक्स ही रहती है, आगे पीछे 1-2 दिन का फेर आपका हो सकता है यहाँ पर। दैट मीन्स आपके पास अगर तैयारी की बात करें तो अच्छा खासा टाइम है, अगर कोई एस्पिरेंट अभी से भी तैयारी स्टार्ट करेगा दैन आराम से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। मोस्ट रिलायबल सोर्स आपके लिए है यहाँ पर, जो कि आपको 100% प्रॉफिट देगा, वो है आपका गाइडली का PDF कोर्स। डे 50 के टारगेट है प्री और मेंस के, अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया डेफिनेटली आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। क्वांट में आपको प्रॉब्लम है तो फ्री YouTube पर वीडियोस है, पूरा कंप्लीट DI का बैच है। जैसा कि आपको पता है कि DI का जो भी वेटेज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एग्जाम में, अगर आपने DI को अच्छे से प्रिपेयर किया देन प्री टू मेंस आपका एक अच्छा स्कोर डेवलप होता है यहाँ पर, और कंप्लीट बैंकिंग की भी प्लेलिस्ट भी है, तो सारी प्लेलिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है क्या, ये आपके मेंस के एग्ज़ाम की डेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, SBI क्लर्क आपका अगस्त में, ये नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आपके होने हैं ये वाले, और मेंस के एग्ज़ाम में RBI असिस्टेंट आपका रहने वाला है, अगस्त में रहेगा RBI ग्रेड भी और इसका, ठीक है, तो मे भी हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है, इसकी जहाँ पर क्लैरिटी है वहाँ मैं बता दे रही हूँ, जहाँ पर आपका एक लाइक कहते हैं ना कि एक वो हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो अब इसके आगे मैं अभी बताऊंगी डेट्स पर, आपको मैं एक स्टेप्स बता दूं, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। 1 मंथ आपका जो भी होगा, जैसे मान लो आप अभी से स्टार्ट करते हो तो मे का पूरा मंथ आपका निकलता है, तो उसमें आप अपने एरियाज पे वर्क करिए, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर, मतलब बेसिक्स को आप क्लियर करिए सबसे पहला पॉइंट। इसके साथ गो थ्रू करना है आपको मेमोरी बेस्ड पेपर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता लगे प्री और मेंस का। साथ में जैसे ही टॉपिक्स क्लियर होते हैं क्विजेस फॉर्मेट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ये कहाँ मिलेगी डेली बेसिस पे, हर एक टाइप की पज़ल हो गई, हर एक टाइप की DI हो गई, अर्थमैटिक डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपकी टाइमिंग के साथ आदत नहीं पड़ेगी, ठीक। जैसे ही आपका 1 मंथ बीतता है आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, मॉक दीजिए वीक में 2 से 3 प्री के, ताकि आपको पता लगे कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, बिकॉज जैसे ही आपके ये क्लियर होंगे आपका पूरा फोकस मॉक और क्विजेस पे आ जाएगा, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उनकी बल्क में प्रैक्टिस करिए, यही एक तरीका है, जरिया है आपकी प्रैक्टिस का। जैसे ही आपके मई बीता,
जून के मिड में आप आते हो, आप क्या करोगे, मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे डेली बेसिस पे धीरे धीरे। पहले वीडियो फॉर्मेट में करिए, इसके साथ आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए या पीडीएफ बंडल के टारगेट कंप्लीट करिए। और बाकी जिनको मेंस में ही दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मेंस की प्रैक्टिस करें, नोटिफिकेशन के बाद वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अभी आप वीकली एक दो मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी जीए के लिए गाइडली ने फ्री मैगजीन आपकी मंथली निकाली, आप वहाँ से वीकली पढ़िए आराम से। डिटेल में है आपका हिंदी के द हिंदू के वो कैब्स भी है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दे रखा हुआ है, ठीक। अब बात आती है क्या इसके बाद के नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, SBI PO टेंटेटिव आपका सितंबर में है जो आएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपके सितंबर में, IBPS क्लर्क नाबार्ड ग्रेड ए फर्स्ट वीक में हो सकता है इसका प्री का एग्ज़ाम। और IBPS PO तो नाबार्ड के बारे में, और IBPS PO की ये डेट्स दी ही गई थी आपकी। RRB PO RRB क्लर्क के मेंस आपके यहाँ पर होने हैं, ठीक है, सितंबर। अब इसके बाद IBPS क्लर्क आपका अक्टूबर में होगा इसका मेंस एग्ज़ाम, और IBPS PO SBI क्लर्क के प्रीलिम्स आपके अक्टूबर में होने हैं। और IBPS SO का नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका अक्टूबर के थर्ड वीक में ये आपका एक्सपेक्टेड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर। बाकी NIACL AO, ठीक है, तो टेंटेटिव ये भी आपका नवंबर में एग्ज़ाम इसका प्री का हो सकता है, और नवंबर में ही आपका SBI PO का प्रीलिम्स मिलेगा। मतलब नवंबर या दिसंबर में टेंटेटिव है, तो नवंबर दिसंबर हो सकता है। और बाकी IBPS SO का एग्ज़ाम की डेट्स आपकी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये दी गई हैं। IBPS PO का मेंस आपका नवंबर में, और नाबार्ड ग्रेड ए का मेंस आपका देखने को मिल सकता है, और इन्हीं के मेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे दिसंबर में किसके, SBI PO और क्लर्क के, ठीक है। तो ये सारी डेट्स थी आपकी। इसके अलावा ईद पर आपका पता है रुद्रा पावर वर्जन, जो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है गाइस, इसमें आपके तीन बैचेस हैं। अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसा आजकल आपका ट्रेंड बना हुआ है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस DI हो गई आपकी, वेरिएबल बेस्ड आपका पूरा टॉपिक वाइज प्री टू मेंस अगर आप क्वांट पढ़ना चाहते हो, देन आपके लिए यहाँ पर 0 to Advanced लेवल ये है 3-in-1 कॉम्बो, तीन बैच आपको मिल रहे हैं आपका ईद के ऊपर स्पेशली। रुद्रा मिनी 3.0 और रुद्रा विक्रम DI, ये आपका सिर्फ अप्रैल में ही आपका वैलिड है। ये तीन बैचेस मिल रहे हैं। रुद्रा मिनी आपका पूरा बेसिक से जो जीरो से पढ़ते हैं उनके लिए, और 2022 के सारे मॉडिफाइड वर्जन इसमें रहेंगे। 3.0 ये पूरा आपका अर्थमेटिक टॉपिक वाइज और DI टॉपिक वाइज है, पूरा मॉडरेट टू मेंस लेवल बैच है, फुल आपका वेरिएबल बेस्ड। और रुद्रा विक्रम DI पूरा प्री टू मेंस DI को पूरा टारगेट कर रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आप RBI ग्रेड भी, SBI PO, IBPS PO, RRB क्लर्क किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे होगे, आपका सारा कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा एक बारी में, ठीक है। साथ में सेक्शनल टेस्ट भी हैं, क्विजेज भी हैं बहुत सारी, और 100% सेलेक्टिव मटेरियल है आपके लिए। इसके बाद आपका सुपर प्लान है गाइडली का, अगर आप गाइडली के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हो, एक बार में पूरा पैकेज अपना लेना चाहते हो, तो ये आपका यहाँ पर है, आप इसको ले सकते हो। इसमें आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपका PDF बंडल, वीडियो कोर्सेस, सब कुछ इसमें आपका अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। साथ में आपका नेक्स्ट आता है प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास मॉक टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइडली के मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ऑफर है 444 में आपका 10 month वैलिडिटी के साथ, ये आपका है 5+5 ईद कोड आप यूज़ कर सकते हो, पर 3000+ मॉक्स है, प्री मेन सेक्शनल सब है इसमें, ठीक। इसके अलावा प्राइम PDF बंडल कोर्स, जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें डेली टारगेट्स होते हैं आपके, जो कि हर एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए फॉर डेली प्रैक्टिस, ताकि आप अपनी स्पीड को इन्हेंस कर पाओ, एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओ। इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, क्विज फॉर्मेट में है, वीडियो सॉल्यूशन है, PDF क्विजेज हैं आपकी, और 1,20,000 के आसपास क्वेश्चन है, 12 महीने की वैलिडिटी है, 70% ऑफ है, आप चाहे तो इससे ले सकते हैं, बिकॉज इसमें सारे मेमोरी बेस्ड पेपर भी रहेंगे, हर एक एग्ज़ाम का आपके पास टारगेट यहाँ पर रहेगा, प्री का अलग, मेंस का अलग, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या रोड मैप है, क्या क्या एग्ज़ाम्स आपके क्या क्या एग्ज़ाम्स आपके इस साल एक्सपेक्टेड है जो आप देख सकते हो। तो इतने सारे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप आराम से तैयारी स्टार्ट करिए। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन जर्नी में, देन यू कैन कनेक्ट विद मी बैकिंग स्मार्टली। बस ध्यान रखो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, अगर अभी से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, देन ईजिली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होंगी वो मैं कॉमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, ताकि आप यूट्यूब के जरिए उन्हें देख कर जो भी बेनिफिट हो आप उठा पाएँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।